Hello everyone. So this is lecture number 2 of unit 5 differential equation. Last lecture में हमने differential equation क्या होता है, degree, order of differential equation और एक formula you can say the एक form पढ़ी थी differential equation solution using separable form. Okay. तो ये चीजें हमने last lecture में cover की थी. आज हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस कब होती है. ओके, सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस इफ इट इज अ सिमिलर फंक्शन ऑफ द एनोनिमस फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव. तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको गिवेन है वो होमोजेनियस होगी अगर वो किसी भी अननोन फंक्शन के, अभी हम देखेंगे एग्जांपल में, किसी भी अननोन फंक्शन के और उसके डेरिवेटिव के सेम हो, के समान हो. ओके, सो इफ इट इज अ सिमिलर फंक्शन ऑफ द एनोनिमस फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव. क्लियर. तो कोई भी अननोन फंक्शन है, सपोज जैसे y कोई फंक्शन है आपका, तो आपने कोई एक, अभी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपने कोई एक अननोन फंक्शन माना, कंसिडर किया सपोज v, सो उस फंक्शन के एंड पुट्स उसके डेरिवेटिव के सिमिलर होनी चाहिए, मतलब सेम डिग्री होनी चाहिए उनकी. ओके, सो किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. हम पहले उन स्टेप्स को देखेंगे और देन हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है. क्लियर. तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको सब्सटीट्यूट करना है y इक्वल टू वी एक्स. देखिए, यहाँ पे v जो है वो एक अननोन फंक्शन है, जो मैं आपको एनोनिमस फंक्शन की बात यहाँ कर रहा था. तो दैट v इज दैट फंक्शन. सो आपको y की वैल्यू किसके बराबर रखनी है, वी एक्स के, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है. ओके, y इक्वल टू वी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है. तो आप y इक्वल टू वी एक्स को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में. तो आपने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स, वी को आपने ऐसे ही रखा, x को डिफ्रेंशिएट किया, सो डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस x को ऐसे ही रखा, डी वी ओवर डी एक्स. तो आई होप हमने ये पढ़ा है जब हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था कि किस तरीके से दो मल्टीप्लाई फंक्शन है तो उनको हम कैसे डेरिवेट करते हैं. तो देखिए, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिंपल, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स. ओके, तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद वी गेट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एंड वाई इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो अब हमें क्या करना है, इसको हमें उस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है. ओके, तो देखिए, अभी तक आपके पास जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू समथिंग. तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आई, अब v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स. तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आपने यहां लिख दिया. और जो भी x और y की फॉर्म में आपके पास फंक्शन था, ओके, वहां पे आप क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, इन द फॉर्म ऑफ वी एक्स. ओके, सो वहां पे आप y की जगह क्या लिख देंगे, वी एक्स. अभी हम सॉल्व करेंगे जब एग्जाम्पल, तो हमें समझ में आएगा. तो अब आपका जो ये फंक्शन बनेगा, ये जो फंक्शन बन के आएगा वो फंक्शन किसका बन के आएगा, v का फंक्शन बन के आएगा. तो ये जी वी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन v को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आपको क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू जी वी माइनस वी. ओके, देन अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे. तो सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, जी वी ओवर वी आपका क्या डिनोमीटर में चला जाएगा, x आपका डी एक्स के नीचे आ जाएगा, इधर डिनोमीटर में चला जाएगा. देन आपको क्या करना है, इंट्रीगेट करना है दोनों ही साइड में. सो इंट्रीगेटिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वी हैव एक कॉन्स्टेंट आपको मिलेगा. और आफ्टर इंट्रीगेटिंग और आफ्टर इंट्रीगेशन वी रिप्लेस वी इक्वल टू वाई बाई एक्स. तो जब इंट्रीगेशन हो जाएगा तब हम वी की वैल्यू को चेंज कर देंगे वाई बाई एक्स से. ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए. ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. पहला क्या है, आपको y इक्वल टू वी एक्स रखना है. सेकंड क्या है, आपको उसे डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करने के बाद आपको उस वैल्यू को वहाँ पुट करना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में. देन आपको सेपरेट करना है
वी को अलग ले जाना है, एक्स को अलग ले जाना है, उसके बाद आपको उसे इंट्रीगेट करना है, और इंट्रीगेट करने के बाद आपको जो आपने कंसीडर किया था वाई इक्वल टू वी एक्स, तो वी इक्वल टू वाई बाई एक्स आपको रिप्लेस कर देना है वापस। क्लियर? तो आगे बढ़े, इसका हम प्रॉब्लम देखते हैं कि अभी जो हमने कहा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम वन बाई वन कोरिलेट करेंगे, बहुत इजी है, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ओके चलिए, तो कोई इक्वेशन थी आपके पास dy ओवर dx इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ओके, तो दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। तो देखिए हमने क्या किया, y इक्वल टू वी एक्स यहाँ पुट किया। ओके, तो जैसे ही हम y इक्वल टू वी एक्स यहाँ पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, x माइनस वी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वी एक्स। तो x कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या बनेगा यहाँ, वन माइनस वी डिवाइड बाई वन प्लस वी, नीचे भी x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये फंक्शन क्या बना आपका, वन माइनस वी वन प्लस वी। इतनी बात समझ में आई? चलिए दूसरा क्या करना था, जैसे ही हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, अभी हमने देखा था, तो वो क्या बन जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx। ये अभी हम समझ के आए थे, तो इस पॉइंट में मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, इस dy ओवर dx की वैल्यू को रिप्लेस करना है इससे, इस इक्वेशन में। तो देखिए क्या बनेगी, वो बन जाएगा v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। इसको मैंने यहाँ पूरा सॉल्व करके बताया आपको, तो क्या मिल गया आपको, वन माइनस वी डिवाइड बाई वन प्लस वी। क्लियर है? तो अब देखते हैं पिछले से रिप्लेस करके हमने क्या क्या सीखा। हमने वाई इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट किया, वाई इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट किया, गुड। हमने उसको डिफरेंशिएट किया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स मिलना चाहिए हमें, वो हमें यहाँ पे मिल गया। देन हमने उसको इस इक्वेशन पुट कर दिया, ओके, हमने उसे यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पुट कर दिया, दैट इज वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और इसको भी सॉल्व कर लिया, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, और सॉल्व करके क्या मिला हमें, वन माइनस वी डिवाइड बाई वन प्लस वी। ओके, तो ये जो फंक्शन नया आएगा वो किसका फंक्शन आना चाहिए, वी का। ओके, तो ये फंक्शन क्या आया, देखिए वन माइनस वी डिवाइड बाई वन प्लस वी, किसका फंक्शन है ये, वी का। इतना क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, और किस फॉर्म में, dv ओवर v dx ओवर x। तो v के साथ डिफरेंशियल, v के साथ आप v के सारे टर्म्स लिख लीजिए, x के सारे टर्म्स लिख लीजिए। तो सिंपल है, देखिए क्या होगा, आप यहां क्या लिख सकते हैं, x dv ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस v 1 प्लस v माइनस v। ओके, तो देखिए अब मैं थोड़ा इसको यहां से यहां कोरिलेट करता हूँ सॉल्व करके, तो x dv ओवर dx इक्वल 1 माइनस v डिवाइड बाय 1 प्लस v माइनस v। अब हमें सिंपल मैथ फॉलो करनी है, 1 प्लस v एलसीएम लिया आपने, 1 माइनस v इधर आ गया, 1 प्लस v के आप 1 v से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1 प्लस v, सो यहां ऊपर तो 1 माइनस v आ जाएगा, 1 टाइम्स आएगा, माइनस v के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 प्लस v का। तो आंसर क्या आएगा, देखिए 1 माइनस वी, वी और 1 की मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा, v, और इसके साथ क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, नीचे क्या बना, 1 प्लस v। इसे हम क्या ले सकते हैं, v कैन राइट 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस v। ठीक है, तो ये ले सकते हैं 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस v, and that is equal to x dv over dx, x dv over dx। So, अब इसे सेपरेट कर लें, x dv over dx, तो ये सब टर्म dv के नीचे ले जाते हैं, dx को ऊपर ले जाते हैं, x नीचे आ जाएगा, क्लियर? तो देखिए अब v स्क्वायर का जो टर्म है वो माइनस आ रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, हम इसको पहले प्लस बना लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो हमने क्या किया, सिंपली माइनस कॉमन ले लिया यहाँ, तो ये क्या बचा, v स्क्वायर, माइनस कॉमन चला गया, ये भी माइनस कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा, 2v माइनस 1।
ओके डिवाइड बाय 1 प्लस बी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल चल रहा है सब अभी। ओके ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं x dv ओवर dx इक्वल टू माइनस v स्क्वायर प्लस 2v-1 डिवाइड बाय 1 प्लस बी। अब आपको इसे नीचे ले जाना है, तो देखिए 1 प्लस बी ऊपर चला जाएगा, सो 1 प्लस बी ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा? v स्क्वायर प्लस 2v-1 dv। इधर क्या है आपका? dx आ गया, ये x इधर आ गया और ये x नीचे पहुंच जाएगा विथ नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ आ गया। तो देखिए यहाँ से कंपेयर करते हैं, 1 प्लस वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस 2v-1 dv इक्वल टू माइनस dx ओवर x। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करा, आपने इसे सेपरेट कर लिया, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, तो हमें ये मिल गया। तो हमें dv के साथ v के टर्म्स मिल गए, x के साथ dx के साथ x के टर्म्स मिल गए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? अब हमें सिंपल इसे इंटीग्रेट करना है। क्लियर? अब देखिए इंटीग्रेट करने से पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी है। तो ये ट्रिक्स हमेशा जब भी हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। ओके, देखिए हमारे पास टर्म क्या था, वी हैव एन टर्म 1 प्लस बी, और आप कहेंगे देखिए यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे 2 प्लस 2v क्यों लिखा हुआ है। सो हमारे पास टर्म था 1 प्लस वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर प्लस 2v-1 dv एंड दैट इक्वल टू माइनस dx ओवर x। ओके, अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं इसमें ट्रिक यूज नहीं करूंगा। ओके, और होप सो हो सकता है कि इंटीग्रेशन सॉल्व ना हो। तो देखिए यहाँ पे आप ट्रिक क्या कहेंगे, या फिर आप कहेंगे देखिए कि आपको उसका ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा? देखिए 2 प्लस 2v डिवाइड बाय v स्क्वायर प्लस 2v-1 dv-2 dx ओवर x। अब मैं कंसीडर करता हूँ v स्क्वायर प्लस 2v-1 इक्वल टू न्यू कांस्टेंट। सपोज मैंने इसको कंसीडर कर लिया, सपोज a कोई एक नया वेरिएबल मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये क्या बनेंगे, 2v प्लस 2। ओके, v स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया dv के रेस्पेक्ट में, तो 2v प्लस 2-1 का कितना होगा, 0 dv, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट कर रहा था dv के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू dA। बस समझ में आई? देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, कुछ मैंने गलत नहीं किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल कैंसिल हो जाएंगे वैसे ही, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने v स्क्वायर प्लस 2v-v को एक नया वेरिएबल माना a, और देन मैंने उसे डिफरेंशिएट कर दिया, तो मुझे क्या मिला, 2v प्लस 2 इंटू dv इक्वल टू dA। अब जरा आप इसे यहाँ से कंपेयर करिए, देखिए 2v प्लस 2, 2v प्लस 2 इंटू dv ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, आई कैन राइट dA, सिंपली लिख सकते हैं, और v स्क्वायर प्लस 2v-1 को मैंने क्या माना है, a, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, a। ओके, इक्वल टू क्या चल रहा है आपका, 2dx डिवाइड बाय x। क्लियर? अब मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूं, तो बताइए कौन सा मेथड सिंपल है इंटीग्रेशन करने का, कि ये जो आपने ट्रिक यूज करी, जो आपने एक सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन बनाया उसको इंटीग्रेट करने से पहले, दैट इज इजी। अब 1/a का इंटीग्रेशन क्या होगा, log a। क्लियर? और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। क्लियर? आगे साइन क्या है, माइनस 2 का, और जो कांस्टेंट आएगा वो भी किसमें आएगा, आपका लॉग्स फॉर्म।
क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। ए को आपने क्या माना है, लॉग वी स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन इक्वल टू माइनस टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ये सब नेचुरल लॉग हैं, लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, तो तीनों में लॉग है तो कैंसिल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपल क्या बचेगा, वी स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन इक्वल टू माइनस माइनस टू कहाँ चला जाएगा, ठीक है आगे है तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर में, तो ये कितना बन जाएगा एक्स की पावर माइनस टू। ओके, और सिंपली आप इसको ऐसे सॉल्व करिए कि ये माइनस टू ऊपर चला गया तो कितना बन गया एक्स पावर माइनस टू लॉग, लिख लेते हैं यहाँ पे आगे, प्लस लॉग सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी कितना हो जाएगा, लॉग ए बी, तो ये कितना हो जाएगा लॉग एक्स माइनस टू इंटू सी। क्लियर, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं log ऑफ v स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन इक्वल टू log ऑफ x की पावर माइनस टू इंटू सी। क्लियर, अब log दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आप एक्सपोनेंशियल ले लिए दोनों साइड तो log हट जाएंगे, तो क्या बचेगा v स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन, वी स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन सी इंटू एक्स की पावर माइनस टू। तो x की पावर माइनस टू को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो c अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ में आई, क्या किया हमने, हमने टू से ऊपर मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में मल्टीप्लाई किया, देन हमने एक नया वेरिएबल कंसीडर किया, उसको डिफरेंशिएट किया, ऊपर इनको रिप्लेस किया, क्लियर, देन हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। तो हमने देखा कि तीनों के तीनों टर्म्स आपके जो है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, आपकी लॉग फॉर्म में। देन हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, लॉग ए प्लस लॉग बी, वो बन गया आपका लॉग सी इंटू एक्स टू पावर माइनस टू। ओके, और इधर क्या है आपका लॉग वी स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन, ए को हमने अगेन वापस उसकी वैल्यू में पुट कर दिया, तो हमें कुछ ये मिल गया, क्या मिल गया, वी स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ओके एक्स स्क्वायर को हम इधर ले गए, तो एक्स स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन इक्वल टू सी। अब लास्ट स्टेप क्या कहते हैं, लास्ट स्टेप है आपका इंट्रीगेशन करने के बाद, आफ्टर इंट्रीगेशन वी रिप्लेस वी इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो आपको अगेन वी की जगह क्या रखना है, वाई बाई एक्स, तो आप वी की जगह वाई बाई एक्स रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई बाई एक्स, टू वाई बाई एक्स माइनस वन माइनस वन, और एक्स स्क्वायर ही चली रहा है। अब आप एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए क्या होगा, ये जो आपकी इक्वेशन बनी है ओके, आप इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी, और कुछ और एग्जांपल्स जो भी बुक आप प्रीफर कर रहे हैं उसमें आप ले लीजिए, नहीं तो आप इन जनरल गूगल पे सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, तो आप पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद वहां से चेक कीजिए कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं किया। ओके, तो अभी आपको क्या मिला, टू वाई बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू सी। अब एक्स स्क्वायर को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा वाई स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, क्या बचा प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। सो वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी इज द सॉल्यूशन। ओके, सो आई होप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप्स याद रखिए, पहले आपको y इक्वल टू वी एक्स रखना है, देन आपको उसे डिफरेंशिएट करना है, देन आपको उसको इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, देन आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद उसे इंट्रीगेट करना है।
इंट्रीगेट करने के बाद आपको y इक्वल टू वी एक्स को अगेन पुट करना है, मीन्स v इक्वल टू y बाई एक्स को इक्वेशन में पुट करना है और लास्ट में आपका सॉल्यूशन आपके पास है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के दो मेथड्स पढ़ लिए हैं, सेपरेबल फॉर्म एंड दी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड फॉर्मेट पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।